नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब आपका भाग्य और किस्मत सातवें आसमान पर जाने वाला है। अब आप शुके जून काल में अपार खुशियां आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यूं कहें तो अब आपके किस्मत का ताला खुल चुका है, जिनमें शुभ आपको लाभ और बहुत सारे शुभ समाचार मिलने वाले हैं। दोस्तों, हम आप शुभ बता दें कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा, क्योंकि दोस्तों आपके जून काल में बहुत ही बड़ा मौका आ चुका है। जी दोस्तों, हाथ आए इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों आप जीवन भर पछताते रह जाएंगे कि हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाली है। जून काल के सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं। जून काल में जो भी परेशानी जिस क्षेत्र में थी वह सभी जड़ से खत्म होने वाली है। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, जो चीज़ आपको समझाने वाले हैं, दोस्तों आप उन्हें बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों यही बातें हैं जिनकी वजह से आप अपने जून काल में हमेशा असफल हो जाते हैं और यूं कहें तो हमेशा अपने शत्रु के भी जाल में फंस जाते हैं। जी दोस्तों, ये बातें आपको वह चीज़ सिखाएगा जो आपने जीवन में कभी नहीं सीखी थी। जी दोस्तों, यह बातों को सुनकर आपको अपने जीवन काल की सबसे बड़ा मूल मंत्र प्राप्त हो जाएगा, यूं कहें तो सफलता की ही चाबी आपको मिल जाएगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, जो गलती आपको दिखाने वाले हैं, दोस्तों उन्हें बिल्कुल ही आप ध्यान सुनिएगा और अपने जीवन काल में उतार लीजिएगा। जी दोस्तों, जो सफलता आपको मिल रही है यह सफलता आपको मिलकर ही रहेंगी और भविष्य में आपके जीवन काल में कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी और कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति का निर्माण नहीं होगा जिनसे आप परेशान होंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान और संकट निदान जरूर लिखिएगा। भगवान हनुमान जी आपके सारे संकटों को हर लेंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप शुभ बता दें कि आपकी राशि के जितने भी लोग होते हैं बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं, जिस क्षेत्र में चले जाए उस क्षेत्र में हर कार्यों को संपन्न कर देते हैं। कोई नया भी कार्य हो उनमें अगर हाथ डाल दें तो दोस्तों वह कार्य पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक प्रकार से कहें कि बहुत ही भाग्योदय वाला व्यक्ति होते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन काल में लगातार परेशानियां चल रही है। जी दोस्तों, और दोस्तों इन सभी परेशानी की वजह आप खुद होते हैं कि आप जितना सभी के सामने अच्छे बनते हैं, जितना आप चाहते हैं कि लोग आपको कभी भी गलत ना समझें, दोस्तों उतना ही लोग आपको गलत समझने लगते हैं, उतना ही आपके ऊपर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं और आपकी अच्छाइयों का, आपके सिंपल रहने का, आपके साधारण होने का सब लोग फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों आपने यह बात देखा होगा, दोस्तों आपने यह बात अपने जीवन काल में जरूर देखे हैं कि किस प्रकार आप अपने जीवन काल में बहुत सी मुसीबत में होने के बावजूद भी हेल्प कर देते हैं, दूसरे लोगों को संकटों से बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि दोस्तों, आप खुद संकट में होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की आप मदद करते हैं और दोस्तों फिर भी लोग आपको ही गलत ठहरा देते हैं। आपकी ही भावनाओं की कदर नहीं होती है उस जगह और आपको ही हर जगह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों इनका अर्थ क्या है, हम आप सभी से पूछते हैं कि दोस्तों आप जितना ही सिंपल रहते हैं, जितना ही आप सबसे अच्छा रहने के प्रयास करते हैं, दोस्तों उतना ही आपका फायदा सब लोग उठाते हैं। और दोस्तों जो भी आपके सगे संबंधी होते हैं, जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, आखिर वही लोग आपको धोखा क्यों दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप उनकी नज़रों में खटकने लगते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप सभी खुश मिजाजी इंसान हैं, कभी भी अपने आप को किसी के सामने दुखी व्यक्त नहीं करते। हालांकि दोस्तों आपके जीवन काल में कितने भी दुख चल रहे हो, कितने भी समस्या हो, आप लोगों को कहते नहीं हैं, सभी के सामने आप मुस्कुरा कर मिलते हैं और दोस्तों यही मुस्कुराहट, यही आपका रुतबा देखकर लोगों को आपसे खटकने लगती है। यूं कहें उनके अंदर जलन का जो भावना है वह उत्पन्न होने लगता है और दोस्तों उन्हें ईर्ष्या की भावना से आपकी अच्छाइयों का वह फायदा उठाता है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ रहकर, आपके साथ घूमकर उन्हें आपके जीवन काल की सारी बातें पता हो जाती है कि कौन सी आपकी कमजोरी है और कौन सा चीज़ आपके लिए ताकत है। जो दोस्तों, और जब उन्हें मौका लगता है तो दोस्तों वह आपकी कमज़ोर जगह पर ही लात मारते हैं। यूं कहें तो दोस्तों जिस जगह पर आपको नुकसान ज़्यादा हो, दोस्तों वैसे ही कदम उठाते हैं। तो दोस्तों कौन सी वह बात है, कौन सी वह गलती है, कौन सा वह भूल है जो कि अब आपको अपने जीवन काल में बिल्कुल भी नहीं करना है।
दोस्तों जीवन काल की आपसे सबसे बड़ी और पहली गलती यह होती है कि दोस्तों अंधाधुन किसी के ऊपर आप विश्वास कर देते हैं। दोस्तों आप दिल के जितना भी भोले होते हैं, दिल के जितने भी अच्छे इंसान होते हैं, उतना ही दिल से आप किसी के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। जी दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यही अच्छाई आपको जीवन काल में अगर नीचे गिराती है, तो दोस्तों आज से अपने जीवन काल में आप इन बातों का ध्यान रखें कि कभी भी किसी के ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों, जिन पर भी आपने अपने जीवन काल में आंख मूंद कर विश्वास किया है, अपने कार्यभार को उन पर छोड़ दिया है कि चलो तुम यह कार्य कर दो, आप हमारे यह कार्य कर दो, हमारा हमें आप पर विश्वास है, लेकिन दोस्तों एंड में आपको पता चलता है कि उसी जगह से काम गड़बड़ हुआ है, उसी जगह से आपको नुकसान हुआ है, तो दोस्तों दिल को आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचता है। तो दोस्तों आज से आपको इन बातों पर ध्यान रखना है कि जिस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप हो, कार्यस्थल पर हो, घर के माहौल में हो, दोस्ती रिश्तेदारी, जहाँ पर भी आप किसी से अटैचमेंट में हो, जिनके साथ रहते हो, दोस्तों आंख मूंद कर आप बिल्कुल भी अब भरोसा मत कीजिएगा। क्यों दोस्तों, कलयुग का दौर चल रहा है, हर कोई इंसान स्वार्थी बन गया है, सबसे पहले वह खुद का देखता है, आप गड्ढे में चले जाए उन्हें इनका रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपको ही अब संभलना होगा, और दोस्तों जीवन काल में आप पहला बात याद रखें कि आंख मूंद कर अपने सब कुछ किसी के ऊपर बिल्कुल भी ना छोड़ें, हर कार्यों की जांच करें, हर चीज में अपना आप एक हाथ जरूर रखें। और दोस्तों आपके जीवन काल की दूसरी जो बात है दोस्तों, वह है कि पिछले समय की जो भी बीती गई दर्दनाक यादें हैं, जो पिछले समय हुई परेशानी है, दोस्तों उन्हें आप भूलने का प्रयास करें। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों, पिछले समय की बातों को अगर आप अभी सोचेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में अवश्य आपको परेशानी होगी और आने वाली क्रियाकलापों के बारे में आप अच्छी तरीके से सोच नहीं पाएंगे, और दोस्तों अगर अच्छी तरीके से आप सोच नहीं पाएंगे तो दोस्तों किसी कार्यों को करने में आपको मन ही नहीं लगेगा, और दोस्तों अगर किसी कार्यों में आप 100% नहीं देंगे तो दोस्तों वह कार्य आपका सफल नहीं हो सकता। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों पिछले समय हुई आपके जीवन काल में जो भी गलती है, उन्हें सीख समझ कर आप आगे बढ़िए। जी दोस्तों, और दोस्तों आगे अपने जीवन काल में आपको कुछ और भी परिवर्तन करने हैं। जी दोस्तों, जो भी आप अपने जीवन काल में कार्य कर रहे हैं, जिसके भी साथ रह रहे हैं, जो भी आपके जीवन काल की आदत है दोस्तों, उनमें भी आपको सुधार करना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक स्वच्छ इंसान को संगत की वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा यह कार्य सफल हो जाएगा, इस कार्य में हम लग रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ में रहने वाला व्यक्ति, उनके सोच आपसे अलग है, आपके अच्छे सोच है तो उनके बुरे सोच है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बुरे सोच वालों व्यक्तियों से दूर रहना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप कितने भी अच्छे सोच क्यों ना रख ले, अगर बुरे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में आपको गलत आदत जरूर ही लग जाएंगी, जिस चीज को आप नहीं भी करना चाहेंगे, उन बुरे लोगों की वजह से आप उस कार्यों में चले जाएंगे। जी दोस्तों, और बाद में आपको बहुत ज्यादा अफसोस भी होगा। तो दोस्तों आज से अपने जीवन काल में आप इन बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों बहुत से जातकों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि बुरे लोगों के चक्कर में आप गलत आदत के शिकार हो गए और बाद में अब आप पछता रहे हैं। जी दोस्तों, अगर आप ऐसे जीवन से गुजरे हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। जी दोस्तों, और साथ ही हम जो बातें आपको बता रहे हैं या बातें सत्य है, सटीक है, तो दोस्तों जरूर हमें कमेंट करके अपने राय दीजिएगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं जीवन काल की सबसे आखिरी अच्छी सीख के बारे में। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो बात है आपके जीवन काल के लिए बहुत ही आवश्यक है और जीवन काल में आपको सबसे बड़ी यह भूमिका निभाने वाली है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक इंसान को अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, जो कि दोस्तों आप अपने जीवन काल में करते भी हैं, बहुत ही ज्यादा संघर्ष आप अपने जीवन काल में कर रहे हैं, बिना संघर्ष के आपको कोई भी सफलता नहीं मिलती, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को एक बात बता दें कि जीवन काल में आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्या वह कार्य आपके लिए सही है, जिस कार्यों में आप मेहनत कर रहे हैं क्या उस कार्यों में उतना मेहनत लगना चाहिए। जी दोस्तों, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। जी दोस्तों, क्यों दोस्तों आज के इस बदलता युग में जितना भी आप हार्ड वर्क करते हैं उतना भी आपको अब स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप शुरू बता दें कि आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके जीवन में कम से कम 1000-2000 रुपया डेली के कमा सकते हैं,
लेकिन दोस्तों वहीं कोई व्यक्ति स्मार्ट वर्क करके दिन में ही लाखों के कमाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने जुनकाल में कुछ ऐसे तरीके सोचिए, कुछ ऐसे विचार अपने मन में लाइए जो कि आप कर सकते हैं, जे दोस्तों जिनसे आपके जुनकाल में बहुत ज़्यादा तीव्रता से गति आएंगी। जे दोस्तों और ऐसी स्मार्ट वर्क तरीके आप सभी के जुनकाल में आपको एक दिन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कितना पसंद आया है दोस्तों आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आप सभी के सारे कमेंट पढ़ते हैं। तो आए